सिल्क मोथ इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो कि बटरफ्लाई से बहुत कुछ रिजेंबल करता है। लाइफ हिस्ट्री जो सिल्क मोथ की होती है वो इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सिल्क मोथ जो है वो डायरेक्टली एग से प्रोड्यूस फॉर्म नहीं होता है। सिल्क मोथ जो होता है वो एक वॉर्म लाइक या कैटरपिलर या फिर आप कह लो लार्वा की स्टेज से पास होते होते एक अडल्ट मोथ में कन्वर्ट होता है। इसका जो आप सामने हमारे एक फिगर दिया हुआ है उसमें बहुत इजीली इसकी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया हुआ है। एग से क्या बना, लार्वा या कैटरपिलर, उससे प्यूपा, फिर आगे सिल्क मोथ। द लार्वा कैटरपिलर एंड प्यूपा स्टेज जो लाइफ हिस्ट्री में होती है सिल्क मोथ की, वो टोटली डिफरेंट होती है उसके अपेयरेंस से जब वो पूरा एक अडल्ट सिल्क मोथ बनता है, क्योंकि लार्वा या फिर जो कैटरपिलर है सिल्क मोथ का, यही सिल्क को प्रोड्यूस करता है, न कि अडल्ट सिल्क मोथ। सो द लार्वा और कैटरपिलर और सिल्क मोथ विच प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वर्म। अब जो लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मोथ की, कितने स्टेप्स में डिवाइड होती है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो फीमेल सिल्क मोथ होगी वो मलबरी ट्री की लीव्स के ऊपर अपने अंडों को देगी। सेकेंडली द एग हैचेज टू फॉर्म अ वर्म लाइक लार्वा। ये लार्वा जो होगा सिल्क मोथ का, ये क्या कहलाएगा, कैटरपिलर या सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या करेंगे, मलबरी ट्रीज की लीव्स को खाकर अपने साइज में धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। सिल्क जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है इनटू द टू ग्लैंड्स इन द सिल्क वर्म्स हेड। थर्ड स्टेज है सिल्क वर्म की, अब उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन द सिल्क वर्म और कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज फॉर इट्स डेवलपमेंट, जिसे हम प्यूपा कहेंगे, उस डेवलपमेंट स्टेज में जाने से पहले वो अपने आसपास एक तरीके का नेट को बनाता है टू होल्ड इट सेल्फ। देन इट स्विंग इनटू इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन अ फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ एट। इस मूवमेंट के अंदर क्या होगा, द सिल्क वर्म सीक्रेट सिल्क इन अ लिक्विड फॉर्म थ्रू अ टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड, जो कि धीरे धीरे एयर के एक्सपोजर में आके सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा, सिल्क फाइबर। सो सून क्या होगा, द सिल्क वर्म कवर इट्सेल्फ कम्प्लीटली बाय सिल्क फाइबर, जो कि उसके लिए एक तरीके से क्या है, नेट टू होल्ड इट्सेल्फ। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वर्म और कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून। अब क्या होगा, द कोकून इज मेड बाय सिल्क वर्म टू प्रोटेक्ट इट डेवलपमेंट एज प्यूपा। प्यूपा इज अ स्टेज इन अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ जहाँ पे जो कैटरपिलर जो या सिल्क वर्म होता है बिकम इनकेस्ड इन अ हार्ड शेल ऑफ सिल्क फाइबर, जिसे हम कहेंगे कोकून। द सिल्क वर्म कंटिन्यू टू डेवलप इन अ फॉर्म ऑफ प्यूपा इनसाइड दिस कोकून टू फॉर्म अ सिल्क मोथ। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, वो प्यूपा जो कि कोकून के अंदर पूरी तरीके से बंद है वो फुली डेवलप होगा टू फॉर्म एन अडल्ट सिल्क मोथ। देन द कोकून स्प्लिट अप एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट। ये जो अडल्ट सिल्क मोथ होगा ये अगेन मलबरी ट्रीज के ऊपर अंडे देगा और ये सेम प्रोसेस या लाइफ हिस्ट्री दोबारा से बनती या प्रोसेस में आती रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं या सिल्क की फार्मिंग करते हैं तो सिल्क वर्म जो डेवलप होता है कोकून के अंदर प्यूपा के अंदर, उसे पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया जाता है एक मैच्योर एडल्ट सिल्क मोथ में कन्वर्ट होने के लिए। जैसे कि कोकून पूरी तरीके से फॉर्म होता है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर एंड डेवलपिंग सिल्क वर्म गेट केल। सिल्क वर्म को प्रॉपर अडल्ट स्टेज में आने में ना ही देखे, सिर्फ कोकून तक आने के बाद ही मार दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इफ द सिल्क मोथ इज अलाउड टू मैच्योर इनटू सिल्क मोथ, देन द फुली फॉर्म सिल्क मोथ सीक्रेट्स अ लिक्विड टू डिसॉल्व अ पार्ट ऑफ अ सिल्क ऑफ द कोकून टू ब्रेक इट, जिससे कि वो बाहर आ जाए और फ्लाई अवे हो जाए। ये जो ब्रेकिंग कोकून होगा ये क्या करेगा, आपकी जो अच्छी क्वालिटी का सिल्क है उसको डैमेज कर देगा। सो दैट सिल्क थ्रेड की जो क्वालिटी होगी वो लोअर क्वालिटी ऑफ सिल्क में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज वाई द कोकून हैविंग डेवलपिंग सिल्क फॉर्म इनसाइड देम आर यूज टू ऑब्टेन सिल्क। सम ऑफ द सिल्क फॉर्म आर हाउएवर अलाउड टू लिव एंड मैच्योर इन टू सिल्क मोथ सो दैट दे कैन ले एग टू प्रोड्यूस मोर सिल्क फॉर्म, लेकिन वो कंडीशन बहुत ही लिमिटेड रखी जाती है।